वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भारत की मकबूजा कश्मीर में अपने मजालिम छुपाने की कोशिशें। पहले उड़ी हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, लेकिन कुछ न बन पाया। उल्टा आवाम सीखपा हो गए। जाफर अक्सर जमीन में दाखिल होकर कार्रवाई करने का दावा कर दिया। सॉरी साहब, भारत अपने आवाम को मुतमईन शेव कराना है ना आपको? हाँ, हर तरह से नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल झूठ है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं। ये कैसे हो सकता है कि जिसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो उसको पता ही ना हो, और वो खुद ही कहें कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है और अभी खत्म कर। DGISPR का कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह बेहत्ते कश्मीरियों को निशाना बना रहा है, सारी दुनिया देख रही है। मजालिम पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। हम हर तरह से नजर रखें, क्या ये? और हम किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए भरपूर तैयार हैं। मैं अभी भी यही कहूँ। अरे ये क्या कर दिया? सॉरी, क्या करते रहते तुम? तुम्हें शेप करनी नहीं आती है? मतलब तफसीर जाफर, माफ कर दो भाई जान। शेप को भी आप सुन रहे हैं। लगता है हमारे जाफर ने आपको परेशान कर दिया। आप हिंदी बोल लेते हो? हाँ, हम हिंदी बोल सकता है। लेकिन कैसे? मेरा नाम यूसुफ बलूची है। गल्फ में बलूची लोग भी रहते हैं, और 25% ओमानी लोग बलूची ट्राइब को बिलोंग करते हैं। ये बहुत पुरानी बात है। हमारे परदादा ने यहाँ पे आए थे, माइग्रेट कर गए थे, और समय के साथ धीरे धीरे वो लोग भी ओमानी हो गए, लोकल हो गए। लेकिन हम लोग हिंदी अभी भी समझते हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि आपके वो बॉलीवुड मूवीज यहाँ भी चलते हैं। हम लोग सलमान खान की दीवानी है। अच्छा? हाँ। और मेरी माँ हैदराबाद से है, इंडियन है। क्या बात कर रहे हो? ये जो हमारे जाफर है ना, ये थोड़ा पागल है। ये पागल लगता है, लेकिन इसकी बातों में दम है। इसकी बातों ने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया। इसकी बारे में क्या बताऊं आपको? ये जाफर 4 साल पहले मेरे पास आया एक दिन और बोला उसकी बीवी पाकिस्तान में छोड़ के अकेले रहना मुश्किल हो गया है। आंखों में आंसू लाके बोले, अगर आप कहे तो अपनी बीवी को यहाँ लेके आता। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, भंडा तो सही बोलता है, तो मैंने भी हाँ बोला। उस दिन इतना खुश था ये, भाग के पाकिस्तान गया, लेकिन लौट के आया तो अकेला। दिल रोता है ये सोच के, रोता है दिल। इसका बीवी इसको मिलने आ रहा था एयरपोर्ट पे, तभी बम ब्लास्ट में। क्या क्या कह रहे हो? ये जो मरना मारना लड़ाई हो रही है, ठीक नहीं है। जीत किसी का भी हो, लेकिन हार तो इंसानियत की होती है, इंसानियत की। लोग अंधे, सच्चाई नहीं दिखती इनको, बस अपना अपना साइड लेके खड़े हो जाते। काम खेली जैसे क्रिकेट फुटबॉल का मैच हो, बहुत बहुत गलत है। इंडिया पाकिस्तान बलूचिस्तान की लड़ाई हो रही है, इसमें मैं किसका साइड लूं, किसका साइड लूं?
मैं किसका साइड लूं, किसकी तरफ जाऊं?